नमस्ते गाइज, हम लोग ट्राई कर रहे हैं सोलो में ग्रैंड मास्टर अचीव करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग ग्रैंड मास्टर अचीव नहीं कर पाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि जब बीआर में सीजन आया था तब मेरा पेपर जस्ट चालू हुआ था, तो इसलिए मैंने गेम खेलना थोड़ा बहुत कम कर दिया। अच्छा लेकिन अब आपका भाई का पेपर खत्म हो चुका है, तो ट्राई करेंगे मास्टर 5 स्टार तक तो जा पाऊँ और साथ में एक वेपन को इंडिया टॉप 100 के अंदर लेकर जाऊँ। क्या बोला तूने? तो अभी का मेरा स्कोर देख सकते हो 5636 है और इस एपिसोड में हम लोग लगाने वाले हैं मास्टर और साथ में एक वेपन को इंडिया के टॉप 100 के अंदर लेकर जाने का ट्राई करेंगे और वो ओपन होने वाला है पिस्तौल M1917। एपिसोड 3 में आप लोगों ने देखा होगा 2858 स्कोर कर दिया था हम लोगों ने और अभी के वीडियो में हम लोग 3521 स्कोर कर दिया। और इसको करने में जो डिफिकल्टी आया है भाई, आप लोग क्या ही बताऊं यार, स्कोर तो बहुत कम चाहिए इंडिया में जाने के लिए, लेकिन इतना ग्लोरी पुश करने के लिए भी जो डिफिकल्ट आया है आप लोग इसको देखो। पहले यहाँ पे मेरा 5 किल हो चुका है और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बंदे बचा हुआ है और यहाँ पे ट्रोगन से नॉक कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास मतलब M1917 का किल नहीं था, तो इस बंदे को फिर से रिस्क लेने के बाद रिवाइव होने का ट्राई देता हूँ। और रिवाइव जस्ट 1-2 सेकंड रहने के बाद रिवाइव जब होता है तभी मैं मतलब उस बंदे को मारने के बाद मैं पूरा रिस्क लेने के बाद किल कर देता हूँ M1917 से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा क्या बोट आता है भाई इस गेम में, तो और भी खतरनाक है। मतलब इस बंदे को भी क्या करता है पता नहीं, ओपन में रुक जाता है इस गेम में और इस बंदे को फिर से M1917 से मार देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या गलत सीन हो जाता है भाई, इस बंदे को पूरा बॉडी शॉट मारने के बाद मैं पूरा डैमेज देता हूँ और ग्लो लगाने के बाद मूवमेंट दिखाता हूँ, लेकिन भाई मैं खुद ही मर जाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि कितना डिफिकल्ट है पिस्तौल से इंडिया का ग्लोरी पुश करना। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम पास करते हुए पहली मैच की तरफ। तो इस मैच की बात किया जाए तो मुझे छोड़ के सिर्फ 2 बंदे बचे हुए हैं और बहुत हार्ड लो भी आया था गाइस, क्या बताऊं यार, 2 ही किल हो पाया। तो यहाँ पे और एक बंदा यहाँ पे उतरता है, ये बंदा ऊपर से, तो इस बंदे को बॉडी और हेड के साथ नॉक मतलब खत्म कर देता हूँ। तो और एक बंदा ऊपर से जंप करता है, तो ये बंदा उकोंग बना था लेकिन मैं ऑडियंस से खत्म कर देता हूँ। मतलब ये बंदा पूरा डैमेज देता है मेरे को, तो होमर लगा दिया था, होमर के साथ ही इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ मैं। तो उसी के साथ 4 किल के साथ मेरा बोया हो चुका है, तो कितना प्लस होता है अभी देखते हैं। तो इसी के साथ मेरा प्लस होता है, मतलब इस गेम में मतलब M1917 का नहीं मिलता है तो इसलिए मैंने नहीं चलाया। मतलब M1917 था भाई लेकिन मैंने नहीं चलाया क्योंकि मेरे को बोया भी चाहिए था। तो इसी गेम में 33 का प्लस मिल चुका है। तो इस गेम की बात किया जाए तो मुझे छोड़ के सिर्फ 5 बंदे बचे हुए हैं और इस गेम में भी मुझे सिर्फ 2 ही किल मिला है, लेकिन क्या बताऊँ यार, 5 स्टार जब से पहुँचा हो यार क्या ही हार्ड लो भी आया है। और आप लोग भाई ग्रैंड मास्टर ऐसे को मत समझो यार, बहुत हार्ड लो भी आते हैं। तो इस बंदे को जैसे जैसे फिनिश कर देता हूँ, फिनिश करने के बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी करता हूँ भाई। आप लोग फिर भी बताते रहता हूँ कि आप लोग थर्ड पार्टी करना, कभी भी थर्ड पार्टी से मत हटना क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्टी करने से किल मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत सर्वाइव मुझे भी करना पड़ा भाई, अब क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं विजोन लेना चाहिए, मतलब यूज ही लेकर मैं मार रहा हूँ भाई बंदे को। बाद में पता चला जब इस बंदे को रिलोड आया मेरा गन को, तो उसके बाद इस बंदे को फिर भी मैं विजोन से मार देता हूँ। और ग्लो लगाने के बाद ही आप लोग कभी भी मेडी वेडी करो, कुछ भी करो, और इस बंदे थोड़ा बहुत कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे किल भी नहीं मिलता और ज़्यादातर सर्वाइव करता रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे छोड़ के सिर्फ लास्ट बंदा बचा हुआ है और इस बंदे को मारने के बाद मेरा टारगेट किल खत्म हो जाता है, मतलब पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस बंदे को पूरा ग्रेनेड मतलब थोड़ा बहुत फेंक दिया, लेकिन इस बंदे को डैमेज नहीं पड़ा उतना शायद। और इस बंदे को गाड़ी था, मैं तो ये गाड़ी से रश कर देता हूँ, लेकिन भाई कितने में रुक गया गाड़ी देखो यार, अगर एक गाड़ी भी पड़ जाता तो शायद मर जाता। तो इस बंदे को क्या करता हूँ भाई, ये उगोंग बनता है तो ओडियन बनने के बाद इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज भी देता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे कितना डैमेज देता हूँ कि ये सोनिया बनने के बाद पैक होता है तो साथ में ये भी मर जाता है। अच्छा हुआ कि इसके पास हॉरिज लाइन नहीं था भाई, क्या बोल रहा हूँ यार, नर्वस हो जा रहा हूँ, माफ कर देना। तो इसके साथ हॉरिज लाइन नहीं था और यहाँ पे M1917 का भी किल नहीं मिला। तो देख सकते हो 2 स्ट्राइक के साथ 5 किल के साथ बोया हो चुका है और इस गेम में भी 41 का प्लस मिल चुका है 11 किल के साथ बोया। और इस गेम में मुझे भाई M1917 का सिर्फ 1 ही किल मिला, तो इसलिए मेरा 22 का प्लस हुआ ओपन ग्लोरी, आप लोग देख ही सकते हो। तो छोड़ो भाई इस गेम को भी 11 किल के साथ छोड़ देते हैं बोया के साथ। तो इस गेम की बात किया जाए तो मुझे छोड़ के सिर्फ 4 बंदे बचे हुए हैं और मेरे पास इस बार 6 किल है भाई, थोड़ा बहुत नूब लो भी आया था शायद, फिर भी भाई लास्ट जोन में जितना भी बचता है 50 के अंदर मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे बंदे लास्ट में रहते हैं, तो मुझे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि इस गेम को मुझे बोया करना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ऑडियन चार्ज नहीं था, तो मैं यहाँ पे ग्लो लगाने के बाद मतलब ऑडियन चार्ज कर लेता हूँ, मतलब ये क्या बोलता है एपी मशरूम खा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी करने के लिए मैं चुपचाप रहता हूँ, मतलब पीछे ही रहता हूँ मैं क्योंकि थर्ड पार्टी करना है, अगर आगे जाऊँगा तो मुझे थर्ड पार्टी हो सकता है। तो यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक आता है, मतलब गाड़ी वाला ही आता है, तो थोड़ा बहुत जोन का हेड खाने के बाद यहाँ पे पीछे रहने के लिए ट्राई करता हूँ। तो इसलिए मैं हेड लगाता हूँ, पूरा सुपर मेडी जितना हो सके लगाता हूँ और इस बंदे को मतलब थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मैं पीछे रहूँगा, तो इस बंदे को आराम से मैं मार देता हूँ। अभी देखना आप लोग क्या करता हूँ मैं। फाइनली भाई आराम से इस बंदे को मार दिया मैंने और ये बंदा भाई कुछ भी समझ ही नहीं आया होगा बेचारे को, लेकिन भाई और 1 सेकेंड अगर मैं यहाँ पे जोन में रह जाता तो शायद मैं मर जाता था, लेकिन भाई कुछ भी नहीं भाई, मुझे बोया करना है। आप लोगों को यहाँ पे मैंने वो क्या बोलता हाईलाइट दिखाया था ना, तो इस बंदे क्या नूबड़े की तरह, आप लोगों को मैं बताऊँ यार, इस बंदे को भी जैसे तैसे मारने के लिए ट्राई करता हूँ यार। ये बंदा भी प्रो था लेकिन कुछ नेट इशू के कारण ये मतलब रोड में खड़ा रहता है, मतलब क्या बताऊँ यार, ये बंदा रोड में खड़ा रहता है कि इस बंदे को फाइनली मैं आराम से इस बंदे को गाड़ी से उड़ा देता हूँ। उड़ाने के बाद भाई यहाँ पे मेरा M1917 किल नहीं था, तो इसलिए मैंने M1917 का आराम से जोन में जाके इस बंदे को मार देता हूँ आराम से। और उसके बाद इसके पास हॉरिज लाइन था तो ट्रोगन से फटाफट किल मतलब कन्फर्म कर देता हूँ, नहीं तो भाई मेरा M1917 का
किल नहीं मिलेगा, किल नहीं मिलेगा तो भाई मेरा ग्लोरी कैसे पुश करेगा। तो भाई क्या बोल रहा हूँ यार, ग्लोरी कैसे पुश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते 39 का प्लस मिल चुका है ग्लोरी का, और दो स्ट्राइक के साथ काल 8 किल के साथ बॉय। तो इस गेम की बात किया जाए तो मुझे छोड़ के सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं और मेरा 4 किल है, मतलब मेरा टारगेट से ऊपर ही किल है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस बंदे को जैसे ही मैं थर्ड पार्टी करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई एक किल लूट जाता है मेरा, मतलब लूट नहीं जाता मेरा, मैं लूटना चाहता था लेकिन लूट नहीं पाया। तो कोई भी कुछ भी छोड़ो यार, ये बंदा पीछे की साइड जाता है तो मैं यहाँ पे पीछे से मारने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई मुझे सोचने में बेबस था कि इस बंदे के पीछे, मतलब ये टैंकी के पीछे कुछ जाने के लिए ट्राई नहीं था, मतलब चांस नहीं था। मेरे पास करेक्टर था कि वो क्या बोलता है, जो लॉक करता है करेक्टर वाला ना, था वो था। तो इस बंदे को चला देता हूँ, तो इस बंदे को आराम से मैं मार देता हूँ ट्रोगन से, और ये बंदा भी मुझे फुल हेल्थ दे देता है। तो सुपर मेडी मारने के बाद इस बंदे को रश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास परमानेंट कवर नहीं था और इस बंदे के पास भी परमानेंट कवर नहीं है, लेकिन मेरे को परमानेंट कवर मिल चुका है पत्थर और बीचों बीच में। तो इस बंदे को आराम से मारने का एडवांटेज तो मेरा 90% तो मेरा ही है। और गाइस बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज आए तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ, आप लोग पता ही होगा, तो मैं बोलता ही रहता हूँ। तो भाई क्या बताऊँ यार, चिड़िया का थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है, तो क्योंकि पहले तो मैं रात को मतलब एडिटिंग कर रहा था, लेकिन भाई इस बार चांस टाइम नहीं मिला, तो आप लोगों को पता ही होगा कितना लेट में आया था मैं वीडियो। तो चलिए इस गेम की तरफ फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा पूरा आगे आने के लिए ट्राई करता है, लेकिन भाई इस बंदे को कैसे मारता हूँ आप लोग देख ही सकते हो, मतलब इस बंदे को आने के लिए चांस ही नहीं देता। यहाँ पे ट्रोगन का मतलब लॉन्चर था, तो ट्रोगन का लॉन्चर फेंकता हूँ, लेकिन डैमेज थोड़ा बहुत नहीं पड़ता। तो इस 28 का डैमेज, 31 का डैमेज, 2 का डैमेज मिल चुका है, तो इस बंदे को रश करने का पूरा चांस रहता है। और आप लोग कभी कंजूस मत करना ग्लोअल के लिए, लेकिन आप ग्लोअल जैसा हो सके 2-3 ग्लोअल लगाना, क्योंकि उस बंदे को कंफ्यूज करो कि आप लोगों का लोकेशन नहीं पता चले। और यहाँ पे मुझे किल नहीं मिलता, मतलब M199 का, इसलिए मैं ट्रोगन का मतलब ट्रोगन से नॉक करने के बाद दिमित्री लगाता है, तो वही चांस है भाई, इस बंदे को रिवाइव होने का चांस देता हूँ मैं फिर से। लास्ट जब टाइम रहता है रिवाइव होने का, तभी मैं मतलब M191 से फिनिश कर देता हूँ। तो इसलिए मेरा M191 का मतलब 52 का ग्लोरी हो चुका है 3 स्ट्राइक के साथ 6 किल के साथ बोया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंपिंग करता हूँ और वही जगह पे आया है, मतलब 3 किल हो चुका है और मुझे जो सिर्फ यहाँ पे 12 बंदे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा जैसे रश करता है, भाई इस बंदे को मैं यहाँ पे कैंपिंग करा देता हूँ। तो इस बंदे को जैसे आता है, मैं इस बंदे को फाइनली हेडशॉट के साथ मार देता हूँ, और यहाँ पे जोन आता है तो मैं आगे चला जाता हूँ। और यहाँ पे देखना क्या होता है, ये बंदा यहाँ पे क्या ऑफलाइन रहता है शायद, थोड़ा बहुत डैमेज देता है। तो इस बंदे को मैं जैसे रश करने के लिए ट्राई करता हूँ, क्योंकि फटाफट किल ले आए मेरे, मतलब किल चाहिए फटाफट। तो इस बंदे को जैसे मारता हूँ मैं ओडियन बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिलोड आ जाता है। तो रिलोड करने के बाद इस बंदे को जैसे ही मारता हूँ, एक जगह पर खड़े रहता है, मतलब ये बंदा मुझे किल देने के लिए आ रहा था। और मैं जैसा बंदा हूँ भाई, फोकट के किल कभी छोड़ने वाला तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत कट कर दिया, मतलब क्योंकि भाई बहुत सर्वाइव कर रहा था। तो मुझे छोड़ के यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पे चारों बहुत क्लोज हो चुका है जोन, लेकिन मुझे छोड़ के यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं, तो बहुत मारने का चांस रहेगा, मतलब मेरा बोया मिस होने का बहुत चांस रहेगा। तो इस बंदे को जैसे ओपन में रहता है, इस बंदे को मैं हेड मारने का पूरा चांस रहता है भाई, लेकिन मैं हेड नहीं मार पाता भाई, क्या बताऊँ, सॉरी माफ़ कर देना अगर कुछ भी गलती हो जाए तो भाई, इस बंदे को हेड नहीं मार पाता, तो यही गलती होता है मेरा। तो यहाँ पे पीछे से और एक बंदा लास्ट रहता है ना, तो इस बंदे को मारने के लिए ट्राई करता हूँ, पीछे से जाने के बाद ये बंदा उधर से ही आ जाता है, तो फिर भी भाई ट्रोगन रहता है, तो इस बंदे को आराम से मार देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट ही बंदा बचा हुआ है, तो उसे पता था कि मेरा हेड नहीं है, तो ये बंदा पूरा अंधाधुंध रश कर देता है, तो इस बंदे को भी पूरा डैमेज देता हूँ। तो यहाँ पे ग्लो लगाने के बाद मेडी लगाना चाहिए था, लेकिन भाई इस बंदे को फिर भी भाई मेरा ही बोया होना चाहिए था, लेकिन ये बंदा क्रोनो लगा देता है। तो इसी के साथ भी 1 एचके के साथ भी मेरा बोया मिस हो जाता है, 51 का प्लस मिल चुका है और 6 किल के साथ, मतलब बोया भी नहीं हुआ भाई, टॉप 2 में मर गया मैं। तो इस गेम की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 बंदा फाइट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करने का पूरा ट्राई करता हूँ, तो दोनों का किल लेने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो वो बंदा ओपन में, मतलब वो कवर में रहता है, तो इस बंदे को हेड मारने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन बहुत दूर से तो हेड लगने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं पीछे से थर्ड पार्टी करता हूँ बॉडी, लेकिन ये बंदा मतलब मेरा हेड निकाल के पूरा मारने के लिए मुझे मौका दे रहा था। तो इस बंदे को मारने के बाद मैं भागने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा भी ओपन में आ जाता है, तो इस बंदे को भी फाइनली फिनिश कर देता हूँ। तो इस बंदे को भी फिनिश करने के बाद मैं अपना जोन जाता हूँ, क्योंकि जोन नहीं जाऊंगा तो मेरा फाइनली बोया मिस हो जाता है भाई, फाइनली बोल रहा हूँ भाई, बोया मिस हो जा सकता है। तो मुझे छोड़ के यहाँ पे सिर्फ 13 बंदे बचे हुए हैं 6 किल के साथ, मतलब यहाँ पे बोया होगा या नहीं अब ये भगवान ही जाने। तो यहाँ पे ऊपर एक बंदा बचा हुआ है, मतलब मुझे छोड़ के सिर्फ 12 बंदे बचे हुए हैं, तो 2 बार बता दिया भाई, क्या बताऊँ यार मैं। तो यहाँ पे ऊपर बंदा है, तो यहाँ पे मैंने वही टिप्स यूज किया जो आप लोगों को पहले बताया था, कि यहाँ पे जब भी ऊपर जाओ तो ग्रेनेड कुक करके जाओ, मतलब बंदा डर जाए तो बंदा दूर जाएगा। तो इस बंदे को जैसे 2 लॉन्चर का डैमेज देता हूँ, तो इस बंदे को रश कर देता हूँ भाई, लेकिन ये बंदा थोड़ा बोर्ड रहता है भाई, अब क्या बताऊँ भाई। इस बंदे को सोनिया था, तो सोनिया से जैसे ही वो मर गया, मतलब नॉक हो जाता है, होर्जलाइन था, तो इस बंदे को मैं जैसे ही रश करता हूँ M191 से, लेकिन यहाँ पे बोया मिस करने का मन नहीं था, तो इस बंदे को मैंने ट्रोगन से फिनिश कर दिया। ट्रोगन से फिनिश करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे छोड़ के सिर्फ मतलब अभी भी 2 बंदे बचे हुए हैं, तो 7 किल के साथ बोया होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो और एक बंदा रश करता है फटाफट, लेकिन भाई क्या जल्दी में था। तो इस बंदे को बॉडी मारने के बाद भाई इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे 8 किल हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर में ब्रिज में था ये
ये बंदा, तो इस बंदे को पूरा मुझे पता था कि जोन के साथ ये बंदा उतरने वाला है, तो इस बंदे को रश करता हूँ अंधाधुन। तो इस बंदे को थोड़ा बहुत एम मतलब प्रोगन से डैमेज देने के बाद मैं यहाँ पे M1N1 से किल मतलब ये पिस्तौल से किल लेने के लिए ट्राई करता हूँ। तो इस बंदे को पैक कर देता हूँ क्योंकि ये जोन में आ जाए, लेकिन भाई इस साइड पूरा गैप था मुझे पता ही नहीं चला। तो इस फिर भी इस बंदे को M1N1 से किल लेने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई इतना रिस्की है कि मेरा बोया मिस हो सकता है। तो फिर भी भाई ट्रोगन से डैमेज देने के बाद इस बंदे को M1N1 से भी डैमेज दे देता हूँ और MP40 से फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि हुजलाइन से रिवाइव हो जाएगा तो मेरा ही मतलब पूरा मतलब लॉस ही होने वाला है, मेरा बोया मिस होने वाला है भाई। कोई भी नहीं हुआ मतलब मोया तो मिस नहीं हुआ, लेकिन भाई यहाँ पे M1N17 का एक ही किल मिला है, तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, 9 किल के साथ बोया हो चुका है। अब क्या बताऊँ यार, चलो अब दूसरी गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस गेम की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे टॉप 20 में मर जाता हूँ यार, कितना दुख लगता है मैं क्या बताऊँ यार। इस बोया होने के बाद लास्ट बोया चाहिए था तो मास्टर जाने में बहुत अच्छा लगता, लेकिन भाई इस गेम में मैं टॉप 20 में मर जाता हूँ और 15+ चाहिए था, 15+ कर देता हूँ उसके बाद मैं मर जाता हूँ यार, क्या बताऊँ यार, मास्टर का पूरा गेम ही बर्बाद हो चुका है। तो फिर भी भाई मास्टर लग चुका है, तो अब दूसरी गेम की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट गेम खाने वाला हूं और इस गेम में भी मेरा बोया होने वाला है। तो देखते हैं कि इस गेम में कितना प्लस होता है और कितना किल होता है और M1N1 से किल कर पाता हूं या नहीं, मतलब पिस्तौल से किल कर पाता हूं या नहीं। तो यहां पे थोड़ा बहुत कैंपिंग करता हूं क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ही हार्ड बंदे आए थे, तो यहां पे सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, मतलब एक किल हुआ है और 9 बंदे बचे हुए हैं मुझे छोड़ के। भाई गलत बोल रहा हूं, माफ कर देना अगर थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा हूं। तो यहां पे देख सकते हो नीचे और एक बंदा आ रहा है, तो इस बंदे को मारने के लिए पूरा वेट करता हूं। इस बंदे को 150 का जैसे डैमेज देता हूं M1N1 से कैसे रश करता हूं भाई। इस बंदे को फुल डैमेज दिया दो बार, लेकिन मरने का मौका ही मतलब चांस ही नहीं छोड़ रहा। लेकिन भाई इस बंदे ने क्या गलत किया कि ग्लोल नहीं लगाया और ओपनली पिछड़ा मतलब पीछे का दिखा के भाग गया था भाई, मतलब भाग रहा था। इस बंदे को जैसे तैसे मारने के बाद और एक बंदा नीचे से आ जाता है, मतलब ये ग्लोल बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आप लोग देख ही सकते हो। बंदा मर गया लेकिन अपना ग्लोल लेकर नहीं गया, तो वही में दिक्कत आ गया। फिर भी इस बंदे को वेट करता हूँ, 150 का डैमेज देने के बाद मतलब सेंटोनियो करेक्टर लगा देता है तो भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे एमओ नहीं था मेरा M1N1 का, तो फिर भी इस बंदे को किल कर नहीं पाता, मतलब मेरा रिलोड आ जाता है और रिलोड में मतलब एमओ भी नहीं था। तो इस बंदे को फिर भी किल लेने का पूरा ट्राई करता हूँ। ओपन में जाने के बाद मैं ट्रोगन का लॉन्चर फेंकता हूँ और पीछे से बंदा मारता है, तो फिर भी भाई मैं क्रोनो लगाने के बाद इस बंदे को फिनिश करने का पूरा ठान ही लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे क्या बंदा क्या खा के आया था, मरने का नाम ही नहीं लेता भाई, कितना ग्लोल फेंका कितना लॉन्चर फेंका फिर भी मरने का नाम नहीं लेता। तो इस बंदे को फिर भी ग्लोल तोड़ने के बाद रश करता हूँ, लेकिन इस बंदे को इतना एक गोली ट्रोगन का देने के बाद भी मर नहीं पाता, मतलब नहीं मरता। तो फिर भी और एक IQ लगाने के बाद इस बंदे को खिड़की से जंप करने के बाद सीधा इस बंदे के मुंह पे चला जाता हूँ भाई। इस मुंह पे जाने के बाद इस बंदे को पूरा लास्ट गोली में भाई लास्ट गोली में मैं बच जाता हूँ, ले तो भाई मेरा टाइटा फिश हो जाता है, मतलब यहीं पे राम नाम क्या बताऊँ यार। तो वो सब तो छोड़ो भाई, यहाँ पे मुझे छोड़ के सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं और यहाँ पे कार पीछे था, तो सुपर मतलब सुपर मेडी पहले लगा लिया क्योंकि अगर हेल्थ खत्म हो तो पहले आराम से बढ़ते रहे। तो फिर भी भाई यहाँ पे अगर वो टिप्स नहीं लगा तो शायद मैं मर जाता, और अब क्या बताऊँ यार यहाँ पे भी मरने वाला हूँ मैं, यहाँ पे देख ही सकते हो। लेकिन मैं बोया करूँगा बताया तो बोया करता ही रहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा एडोलम से मुझे पूरा 150 का डैमेज दे देता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ क्योंकि गाड़ी का मीसा नहीं था, फिर भी बचता हूँ। लेकिन यहाँ पे गाड़ी तोड़ देता है मेरा और यहाँ पे सुपर मेड भी फुल होने का ट्राई नहीं देता, मतलब चांस ही नहीं देता। इस बंदे को पूरा ट्रोगन से मारने के बाद यहाँ पे बोया कर लेता हूँ, बोया नहीं करता भाई, लास्ट 2 बंदे बचे हुए हैं, इस बंदे को भी फाइनली फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद भाई यहाँ पे दोनों का पूरा किल करने का मुझे पूरा मतलब चांस ही था, वो बंदा मुझे मारने के लिए पूरा चांस कर रहा था, चांस ले रहा था, लेकिन भाई इस बंदे को चांस नहीं दिया क्योंकि मुझे बोया करना था। तो यहाँ पे पूरा ग्रेनेड कर देता हूँ, वो बंदा भी ग्रेनेड करता है, लेकिन यहाँ पे क्या गलती करता है, मतलब गलती नहीं करता, वो भाग जाता है भाई। यहाँ पे मैं पूरा ग्रेनेड करता हूँ, इस बंदे को पूरा मारने के लिए सोचता रहता हूँ, तो इस बंदे को पूरा रश करता हूँ। फिर से ग्रेनेड बहुत ज़्यादा था तो ग्रेनेड फेंकता, मतलब ग्रेनेड फेंक देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बंदा तत्सुया लगा के भाग जाता है, तो इस बंदे को लास्ट वाले को बंदे को मार नहीं पाता, मतलब लास्ट 2 बंदे को मार नहीं पाता, सिर्फ लास्ट 1 बंदे को ही मार पाता हूं। और आप लोगों को इस वीडियो में सब्सक्राइब करना नहीं बोला है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं इस गेम की तरफ और ये लास्ट बंदा बचा हुआ है, तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा फाइनली बोया हो चुका है, मतलब भाई बोया हो गए क्योंकि ओरियन लगा लिया था और दिमित्री लगाने का भी चांस नहीं दिया। तो आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरा फाइनली 5 किल हो चुका है, टारगेट भी पूरा हो चुका है और नेक्स्ट गेम में देख सकते हो मतलब 53 का प्लस मिल चुका है भाई, और क्या बताऊं मैं। और यहां पे M1N1 का किल ले लिया है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोगों को मैंने बोला, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।